ये 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बच्चा। जय हिंद बच्चों, आइए सेशन की शुरुआत फिर से करते हैं। कुछ वजहों से, कुछ परेशानियों से पिछला सेशन आपका रुका, लेकिन ये जूझने की परिस्थितियों से हमारी आपकी आदत शुरू से रही है, तो हम लोग मुश्किलों से शुरू से लड़ते आए हैं। लेकिन मुश्किलों के आने का मायने ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा मकसद बदल जाएगा। मकसद पहले भी वही था, अब भी वही है। सेशन को कंप्लीट करेंगे और बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। कल के टेस्ट में आप बेहतर करें, कुछ भी करना पड़े, परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट हमको आपको अचीव करना है और ठाना है डॉक्टर बनने का। और इतना बड़ा सपना जब लेके चले हैं तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो नजरअंदाज करके चलनी ही पड़ेंगी, है ना। तो आइए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए पूरे जोश के साथ, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराओ और ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग इस सेशन के 45-50 सवाल जो भी हैं आज के सेशन में वो बहुत तेजी से करेंगे और उस सवाल के इर्द गिर्द का जो भी पोर्शन है वो पढ़ते और बताते हुए चलेंगे। फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमारी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही हो और आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा हो, एक बार जल्दी से। सोमेश भैया धन्यवाद, महेश, विशाल, रिया, कार्तिकेय, प्रिंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से आज और पहले सवाल से ही चलेंगे। पहले सवाल का आंसर आपने पहले भी दिया है, लेकिन आप एक बार चीजों को दोबारा से देखिए और फटाफट से हम लोग आ जाते हैं उसी जगह पे जहां पिछले सेशन को छोड़ा था। ये सवाल कह रहा है, 2019 में आया हुआ है बेटा, तो यहाँ पर ये सवाल ये कह रहा है कि भैया सेलेक्ट द करेक्टली बोले तो सही रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो जैसे ही मैंगो वर्ड आया तुरंत मैंजी फेरा इंडिका आ गया आपके दिमाग में। वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैरोलस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, पहली चीज। और दूसरी बात, ये नियम जो आईसीबीएन के द्वारा दिए गए थे बेटा, वो तो प्लांट की नेमिंग के लिए, और जो एनिमल की नेमिंग के लिए था वो आईसीजेडएन था। नो डाउट आपके पास आईसीबीएन के टोटल एनसीईआरटी के 5 रूल है और इस 5 नियम में पहला नियम था कि 2 वर्ड होंगे हर एक साइंटिफिक नेम में। पहला होगा जेनेरिक नेम जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा नियम था कि लैटिन लैंग्वेज में होगा चाहे इसकी ओरिजिन किसी भी भाषा की हो। तीसरा था कि अगर हाथ से लिखेंगे तो अलग से अंडरलाइन करेंगे,
और अगर ये प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। और चौथा नियम था कि जो जीनस का पहला लेटर होगा वो कैपिटल में, और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर में होगा। और पांचवा नियम था, जिस साइंटिस्ट ने इसे पहली बार डिस्क्राइब किया होगा उसका नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में रोमन लेटर्स में आफ्टर द इन लास्ट स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा। इतनी बात के साथ अब तक सबका आंसर आ चुका होगा, सबने बता भी दिया है कि सर यहाँ पर ये लिनियस नहीं, लिन नहीं लिखा है, जबकि यहाँ गार अलग से लिख दिया है और यहाँ पर लिनियस पूरा लिख दिया है। इस वजह से ये तीन विकल्प गलत, और सही आंसर की तरफ हम आप बढ़ गए हैं, और आंसर है थर्ड वन इज द राइट आंसर। आइए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। फिर से यहाँ पर कह रहे हैं 2019 में आया हुआ है, फटाफट से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBM, ICBM के रूल के खिलाफ कौन है, मतलब उसकी बात को कौन गलत बता रहा है। तो ये कहते हैं अगर हाथ से लिखोगे साइंटिफिक नेम तो अंडरलाइन करोगे 100%, और वो भी अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, 100% सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। और जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये बात बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होता है दोस्तों वो होता है स्मॉल लेटर से, जबकि अगर यहाँ जेनेरिक नेम की बात करें बेटा तो ये इसका फर्स्ट लेटर हमेशा होता है कैपिटल लेटर से। तो आंसर आप तक पहुंच चुका है और आप सबने बता भी दिया है, फटाफट पूरे जोश के साथ आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन को तेजी से आंसर के साथ बढ़ाते जाओ। अगला सवाल आपके सामने, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, बहुत सारे यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ICBM के रूल इन्हीं के बारे में बोला गया। ये कह रहे हैं उसके बारे में कौन सी बात गलत है। आप एक चीज ये देखो, 2019 में, 2022 में, 2016 में लगातार ICBM पे सवाल आए हैं बेटा, तो आपको PYQ कराने का मायने सिर्फ इतना है कि अल्टीमेटली हर बार सवाल किस पोर्शन से, किस टॉपिक से हिट करता है। तो ये कह रहे हैं नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, सही बात। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बिल्कुल सही बात। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, बस यहीं पर गलत कर दिया है, एनी लैंग्वेज को हमेशा क्या लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज। आप कहेंगे कि सर यहां पर ये ऑप्शन गलत, तो द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही, एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने पूछा है क्या कि कौन सा कंट्रेरी है, मतलब कौन सा गलत है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा फटाफट, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए फटाफट से आंसर केवल फटाफट से बताते चलो। अगला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो हायरार्कियल अरेंजमेंट और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है जो करेक्ट सीक्वेंस है। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। यहां से यहां आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो यहां से यहां आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो बढ़ेंगे, यहां से यहां आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर लगातार बढ़ेंगे, और स्पीसीज से किंगडम अगर आप जाएंगे तो हमेशा कॉमन कैरेक्टर घटेंगे, ठीक बात है। अगला, अब कह रहे हैं यहाँ पर किंगडम आया, किंगडम आया, किंगडम आया, तीनों में किंगडम है, लेकिन किंगडम के बाद या तो फाइलम आए या तो डिवीजन आए, ना इन तीनों में ना तो फाइलम है ना तो डिवीजन है, तो आंसर है किंगडम देन फाइलम देन क्लास देन ऑर्डर देन फैमिली देन जीनस देन स्पीसीज। तो आप बताओ यहाँ फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ये पहला सवाल जो है यहाँ पर पहला आंसर होगा बेटा। रीजन, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्काइडी, तो आप बताओ ह्यूमन की फैमिली क्या है, होमिनोइडी, और अगर पूछा जाए मैंगो की फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, मैंगो का ऑर्डर क्या है, सेपनिडेल्स, और अगर पूछा जाए हाउसफ्लाई की फैमिली क्या है, मस्काइडी, तो आप बताओ इन्होंने पूछा मस्काइडी किसकी फैमिली है, तो आंसर क्या रहेगा, हाउसफ्लाई, और इसका जो नाम लिखा जाएगा बेटा वो लिखा जाएगा मस्का डोमेस्टिका। तो आप बताओ बड़े आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। अगला, व्हीट के अगर ऑर्डर की बात करें बेटा तो वो क्या आएगा, पोएस, और अगर व्हीट की फैमिली की बात करें तो वो क्या आएगा, पोएसी।
तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ग्रास ऑपर, कॉकरोच, ये सब कुछ है। डायरेक्ट आएगा क्या? हाउस फ्लाई। अगला फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, यहीं पर हम लोगों ने, यहां तक हम लोगों ने चीजों को किया था, और फटाफट से अब आप बता दीजिए, मैथ्स द कॉलम की बात कर रहे हैं, और बार बार सवाल उन्हीं दो जगहों से आया है, एक तो नोमेनक्लेचर से और दूसरा यहां पर ये पूछा गया है कौन सा फैमिली है, कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है। तो मैच कराना है तो बताओ, फैमिली की अगर बात करें, किसकी फैमिली की बात करनी है भैया? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की, मस्का डोमेस्टिका। तो आप बताओ मस्काइडी क्या है फैमिली। ऑर्डर की अगर बात करें बेटा तो आएगा डिप्टेरा और यहाँ पर आएगा फर्स्ट। क्लास की अगर बात करें तो इंसेक्टा, यहाँ आएगा फोर्थ। फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, यहाँ आएगा सेकंड। तीन, एक, चार और दो। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो आप बताओ बेटा, यहाँ पर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैच द कॉलम बिल्कुल सरल सवाल है, फटाफट से आप आंसर करते चलिए। वेरी गुड, ये सब सवाल आपको पढ़े हुए हैं, आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये कह रहे हैं कि भैया चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं नीचे, और इनमें से आप यहाँ सेलेक्ट करिए जो दो सही हो। पहला स्टेटमेंट कहता है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दिया गया है अर्नेस्ट मेयर के द्वारा, बताओ क्या सही? हाँ, अर्नेस्ट मेयर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी है, अलेक्जेंडर अगेसी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस है, और दूसरा बायोलॉजिकल स्पीसीज का, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन है वो दिया अर्नेस्ट मेयर ने। अगला फोटोपीरियड, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, नहीं, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के अंदर पाया जाता है फोटोपीरियोडिन, और फोटोपीरियोडिन फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जरूरी फैक्टर है बेटा, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि आखिरकार लाइट इंड्यूस फ्लावरिंग। तो हमने कहा यहाँ पर फोटोपीरियड अफेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया? गलत। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आरएच विटकर, नहीं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आरएच विटकर ने दिया, जबकि यहाँ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने, ठीक बात है। अब हमने कहा कि भैया यहाँ पर ये भी गलत, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, क्या ये बात सही है? आप कहेंगे सर यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल, और अगर यहाँ पर एक सेल से ये डिवाइड होकर कितनी सेल बनाए? दो सेल। तो नंबर इंक्रीज होना क्या ग्रोथ नहीं होता है? क्या होता है? यहाँ एक नंबर है, यहाँ दो नंबर है। आप बताओ अगर नंबर इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ भी कहलाएगा, और अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा। सिनोनिमस का मतलब होता है पर्यायवाची बेटा। तो आप बताओ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों आपस में क्या है? पर्यायवाची। तो आप बताओ ये बिल्कुल सही, और इन्होंने सही की बात की है तो आंसर हो जाएगा ए और डी। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, सी पार्ट, और यहाँ पर तीसरा आंसर सही है क्योंकि इन्होंने दिया ए और डी, दो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, बहुत सारे लोगों का आंसर सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बताओ भैया, बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था आरएच विटकर के द्वारा वो किस पर आधारित नहीं था, किस पर आधारित नहीं था? तो हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले आएगा बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो आप बताओ सेल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ये इस पे बेस्ड था। दूसरा अगर बात किया जाए बेटा तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, और तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाए रिप्रोडक्शन पे, और नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, और नेक्स्ट अगर पूछा जाए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर बोलेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आप बताओ ये पांच क्राइटेरिया ऐसे थे जिसके आधार पर आरएच विटकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम दिया था। आप बताओ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या शामिल किया था? आपके सामने है, बिल्कुल सही बात है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन था क्या? बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 100% सही बात। अब हमने कहा कि सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दो तरीके का, एक है बेटा प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। तो आप बताओ अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर वो क्राइटेरिया लगाएंगे तो उनको तुरंत मिल जाएगा एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। तो आप बताओ प्रोकैरियोट जितने थे कहां रख दिए गए थे? मोनेरा में। अब हमने क्राइटेरिया लगाया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का यूकैरियोट में,
तो या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर था तो पेरिडम बना प्रोटिस्टा, और अगर यहाँ पर मल्टीसेलुलर था तो इसमें बन गए तीन, एक तो फंगाई आ गया, प्लांटी आ गया और एनिमेलिया आ गया। तो आप बताओ तीन क्राइटेरिया है, लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, इस तरह का कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल अरेंजमेंट करने नहीं किया था। इसी वजह से आंसर जो है वो पहला जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा अरेंजमेंट करने किसको आधार नहीं बनाया था, तो आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला है, अच्छा मैच द कॉलम जितने भी होते हैं बेटा वो सब बहुत आसान होते हैं, रीजन क्वेश्चन भी आपको दिया होता है और आंसर भी आपको दिया होता है, बस आपको ढूंढना है। तो वो ढूंढने वाली कला आपको जितनी तेज पता होगी उतना बेहतर आप कर पाएंगे। हेलोफाइल्स, नाम से पता है हेलोफाइल्स सबसे साल्टी एरिया में पाए जाते हैं तो फोर्थ नंबर। थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो हॉट स्प्रिंग फर्स्ट नंबर। मेथानोजेंस, नाम से पता है तो हम कहेंगे यहाँ पर गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल, और दूसरा मार्सी एरिया। तो आप बताओ एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में ये बड़े आसानी से पाए जाते हैं, इसीलिए ये स्पेशल बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगला साइनोबैक्टीरिया, ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं लेकिन ज्यादातर एक्वाटिक है। तो आप बताओ यहाँ पर आ जाएगा तीन नंबर या आ जाएगा दो नंबर, चार एक तीन दो, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन ही आपके लिए सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट जल्दी से बताते चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि ये सब सवाल बिल्कुल गोली की रफ्तार से होने चाहिए। आपको थ्योरी पूरी पूरी याद है, एनसीईआरटी एक एक लाइन आप तक पहुंचा दी है बेटा, कॉपी में नोट्स में ए टू जेड आप तक पहुंच चुके हैं। कल वाले टेस्ट का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे सवाल को पढ़ने में। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए और सही पढ़ लिए सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता है। अगला सवाल आप देखो, PYQ किस जगह से हिट कर रहा है सवाल। PYQ कराने का मतलब ये नहीं सवाल रिपीट हो जाएंगे, PYQ हमेशा इस बात का आइडिया देता है कि अल्टीमेटली चैप्टर में सवाल किस पोर्शन से हिट करता है। आप देखो ICBN, ICZN और नोमेनक्लेचर से धुआंधार सवाल पूछे, फिर उसके बाद शिफ्ट हो गया ये किस पे, लगातार फैमिली पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, क्लास, किंगडम, इस पे चल रहा है मामला। अब अगले नंबर मोनेरा से जो सवाल आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन। सलाइन का मतलब क्या है, साल्टी एरिया, अभी अभी पढ़ के आ रहे हो। आप बताओ एक्सट्रीमली साल्टी एरिया या सलाइन कंडीशन में जो लोग होंगे वो क्या होंगे, हेलो फाइल्स। और अगर पूछा जाए हॉट स्प्रिंग में जो लोग होंगे वो क्या होंगे, थर्मो एसिडो फिल। और जो लोग मार्सी एरिया में होंगे बेटा, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, दे आर मेथेनोजेंस। और नेक्स्ट बात ये है कि भैया मेथेनोजेंस सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी पाए जाते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये एडवर्स या हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं और इनका नाम है आर्की बैक्टीरिया। और आप बताओ ये क्यों ऐसा कर पाते हैं, उसका रीजन बताओ। उसका रीजन ये है, आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है बेटा उसका स्ट्रक्चर बाकी के यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है, जो इन्हें मदद करता है एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ भैया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, चलिए आंसर आप सबका सही है, गलत होने की कोई चांस नहीं बनने चाहिए भैया। व्हिच अमंग द अगला 2017 में सवाल आया हुआ है कि नीचे दिए गए जितने भी हैं उनमें से स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है एक, इन चारों में से कोई एक है। आंसर तो आप सबको आ ही गया होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, फटाफट टाइप करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है जो नोन है और विदाउट ए डिफाइंड डेफिनेट सेल वॉल, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एक तो स्मॉलेस्ट है और दूसरा सेल वॉल भी उसमें मौजूद नहीं है और पैथोजेनिक है प्लांट में भी और एनिमल में भी, और कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब है। तो आप बताओ यहाँ पर आंसर तो वैसे भी आपको आ गया होगा माइकोप्लाज्मा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइकोप्लाज्मा इज द राइट आंसर। अब इतने हिंट देने के बाद तो सवाल तुरंत आपका सही हो जाना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल का आंसर दीजिए तेजी से। ये कह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कब होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने का मतलब है कि अब सेल डिवाइड होने जा रही है, और आप बताओ बेटा सेल डिवाइड होने का मतलब है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगी, डबल करेगी। और डीएनए रेप्लिकेट करके अपना अमाउंट डबल करता है बैक्टीरिया में जब उसे एक से दो होना होता है, एक से दो कब होता है, जब वो बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन होने से जस्ट पहले वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करके दो हिस्सों में
अलग अलग कर लेता है और फिजन से एक से दो बैक्टीरिया बन जाता है। एस फेज की बात करें तो आप जानते हैं ना तो माइटोसिस ना तो मियोसिस या एस फेज इस तरीके की कोई भी नहीं पाई जाती। ट्रांसक्रिप्शन के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होने का कोई मायने नहीं है क्योंकि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और अगर पूछा जाए एमआरएनए से प्रोटीन देन ट्रांसलेशन तो आप बताओ इसका कोई लेना देना विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस तो पाया ही नहीं जाता है तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर सेकंड वन इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है 2017 में पूछा गया है, लगातार आप देखो सवाल बेहतर तरीके से 2017 में पूछे गए हैं मोनेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर कीजिए फटाफट। ये कह रहा है मेथैनोजेंस बिलोंग टू, मेथैनोजेंस जो है इतनी बार आया हुआ है अभी आपको मैंने इतनी बार बताया बेटा, वेरी गुड बहुत बढ़िया फटाफट से आंसर करो भाई। यहाँ पर कह रहे हैं मेथैनोजेंस बिलोंग टू, क्या यू बैक्टीरिया से बिलोंग करता है? नहीं। डायनोफ्लैजेलेट है क्या? नहीं। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में आएगा? बिल्कुल नहीं। और आप बताओ मेथैनोजेंस जो है वो कहाँ होंगे? एक तो होंगे मार्शी एरिया में और दूसरा कहाँ पर होंगे? गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स, कैटल्स बोल सकते हैं लाइक काउज एंड बफेलो। तो आप बताओ ये हार्श हैबिटेट में रहने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जाना जाता है? भैया आर्की बैक्टीरिया, सेकंड वन इज द राइट आंसर। और इसका भी रीजन क्या है कि इसमें सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल यू बैक्टीरिया से बाकी से बिल्कुल क्या है अलग। तो सबका आप देखो इसमें हमें कठिन सवाल नहीं दिखाना है, हमें ये बताना है पीवाईक्यू कितने सरल सवाल पूछता है बेटा जो आपको बड़े आसानी से सिलेक्शन में मदद कर दे। बस आप सवाल को अच्छे से पढ़ लो और क्लास अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ। कल वाले टेस्ट में देखना बहुत सारे बच्चे 360 में 360 कर सकते हैं, बहुत शानदार परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फटाफट आंसर करो जल्दी से। ये कह रहे हैं द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट, फिर वही बात आ गई डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड द। आप बताओ कितनी बार ये सवाल मेथैनोजेन पे सवाल, आर्की बैक्टीरिया पे सवाल कितनी बार ये पूछा गया? 2016 में फिर आया, 2017 में आया था, 2019 में आया था, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप बताओ बायोगैस में मेनली जो पाई जाती है बेटा, होता तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है लेकिन यहाँ पर मेनली पाई जाती है मेथेन, और इतना बताते ही आप समझ गए और रुमिनेंट एनिमल से भी समझ गए कि यहाँ पर आंसर होने जा रहा है मेथैनोजेंस, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। फटाफट आप बोलते हैं भैया सही आंसर, वेरी गुड बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, गलत का कोई सवाल ही नहीं, आपने क्लास इतनी शानदार पढ़ रखी है तो आप आसानी से सवाल सही कर सकते हैं। और आप देखिए नीट कितने आसान सवाल आपको दे रहा है, फटाफट देखिए अगला फिर वही सवाल, लेकिन ये वाला सवाल तगड़ा है। रीजन एनसीईआरटी की लाइन में कुछ और लिखा है जबकि उन्होंने सवाल की परिस्थितियां बदल दी है। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर 2014 नीट का सवाल यदि रिपीट हो जाता है बेटा 2024 में तो आपको बहुत बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए समस्या आएगी। रीजन आरजी बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया के, अगर बिना विकल्प देखे हम पूछे तो तुम क्या कह दोगे? सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि बाकी बैक्टीरिया से सेल वॉल का स्ट्रक्चर आरजी बैक्टीरिया में अलग होता है। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाई जाती है आरजी बैक्टीरिया के सेल वॉल में, जबकि बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। तो आप बताओ ये मदद करता है हार्श हैबिटेट में, लेकिन यहाँ कहीं भी चारों ऑप्शन में बेटा सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सेल वॉल के बारे में नहीं दिया है। तो आप बताओ सेल वॉल के जस्ट अंदर कौन सी लेयर आती है? सेल मेम्ब्रेन। तो आप बताओ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ पर आंसर दिया और यही आंसर गया है। मेरी तरफ से ये 5 स्टार इसलिए दे देना है रीजन के दोबारा से ये सवाल पूछा जा सकता है और सेल वॉल को ये गायब कर देंगे। और सेल वॉल अगर सेल वॉल है, सबसे पहले किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए सेल में क्या है? सबसे बाहरी लेयर कौन है? सेल वॉल। और अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया, अदरवाइज आंसर वही जाता, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आज के सेशन का ये मैं पूरे के पूरे सेशन का क्वेश्चन आप जिस सेशन मान के चलिए, इस सवाल को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अगले नंबर पे आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो भैया। ये कह रहे हैं पिगमेंट कंटेनिंग, धाकर सवाल है, बढ़िया सवाल है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, बोलो क्या है भैया?
न्यूमेटोफोर्स नहीं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्रोमेटोफोर्स 100% यही है। अब क्रोमेटोफोर्स में होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये मदद किसमें करता है बताओ, फोटोसिंथेसिस में। तो आप बताओ फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में। अच्छा यहां पर एक दिया हेटरोसिस, आप बताओ हेटरोसिस थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड होती है, ग्रीन या नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन होती है, थिक वॉल्ड होती है और दूसरा नॉन ग्रीन होती है, और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है और जब किसी CO2 का फिक्सेशन करती है। तो आप बताओ यहाँ CO2 का फिक्सेशन नहीं करेगी लेकिन ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, तो आप बताओ ये CO2 फिक्स नहीं करती लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, थिक वॉल्ड होती है और यहाँ पर ये नॉन ग्रीन होती है और नॉन फोटो सिंथेटिक होती है, और बाई किस में जाती है, नॉस्टॉक में और एनाबिना में। नॉस्टॉक क्या है, फिलामेंटस, एनाबिना क्या है बेटा, कॉलोनियल। तो बेसिक बातें हैं ये, अगले नंबर पे आएगा नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थिक वॉल्ड क्रोमेटोफोर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो आएगा बेटा बता रहा, 2022 में पूछा गया है और इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो बताओ भैया। यहाँ ये कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया जिसका एक नाम होता है दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और इनका किंगडम मोनेरा है, ये 100% सही बात है, सही पूछा है, पहला विकल्प सही आंसर है, लेकिन जरा ये चेक कर लेते हैं बाकी तीनों क्यों गलत है। आओ फटाफट से देखो जरा, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यही दोस्त गलत कर दिया, एक्सक्लूसिवली नहीं बोला जाएगा, एनसीईआरटी लिखेगी कि वास्ट मेजॉरिटी क्या होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक, जबकि कुछ होते हैं सम होते हैं ऑटोट्रॉपिक। आप बताओ ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म 100%, स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म भी है, सेप्रोफिटिक फंजाई भी है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी है, लीफ सिंगल थिंग ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा कि डिकेइंग जो पार्ट होता है उसमें यहाँ पर ये आराम से डिकेइंग वुड हो वहां पर ये आसानी से पाए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में कौन सी बॉडी बनाते हैं जल्दी से बताओ भैया, फेवरेबल कंडीशन जल्दी से कमेंट करके बताओ कि फेवरेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोल्ड्स जो बॉडी बनाते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है, जल्दी से बताओ। स्लाइम मोल्ड को क्या हम लोग अंडर किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं क्या, यही बात बिल्कुल गलत है क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं और ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट बोले जाते हैं। आप बताओ बेटा माइकोप्लाज्मा है डीएनए और राइबोसोम एंड सेल वॉल, यहां पर ये बताओ यहां पर आएगा, सही पूछा है, पहला सही है, बाकी तीनों गलत है। यहां एक्सक्लूसिवली की जगह वास्ट मेजोरिटी, किंगडम मोनेरा की जगह प्रोटिस्टा, और यहाँ पर ये सेल वॉल माइकोप्लाज्मा क्या होती है अब्सेंट, तो आंसर क्या हो जाए, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम बहुत सारे लोगों का सही है। और अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट इनटू द फ्रूटिंग बॉडीज और उसके ऊपर स्पोर आ जाता है और स्पोर पे थिक वॉल होती है बेटा, ट्रू वॉल पाई जाती है जिसकी वजह से एक्सट्रीमली और हाईली रेजिस्टेंट हो जाता है और कई सालों तक सर्वाइव करता है और एयर करेंट से वो डिस्पर्स होता है, तो याद रखना इसे। तो आप बताओ यहाँ फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से बता दो, ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायरेक्ट सवाल है यार, डाइएटम्स अगर पूछा जाए तो आंसर तो डायरेक्ट आ गया डाइएटम्स, लेकिन ये बताओ हम लोग किस हेडिंग में पढ़ते हैं इसको, क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में रखे गए हैं कौन, डाइएटम्स और डेसमेट्स जिसे बोलते हैं गोल्डन एल्गी, और इसका मेन जो होता है हैबिटेट की बात करें बेटा फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और फ्लोटिंग वाटर के साथ ये पैसिवली बहते हैं, सोप बॉक्स के तरह दो थिन ओवरलैपिंग सेल से बने होते हैं, और इंपॉर्टेंट बात ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ऑटोट्रॉपिक है और चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन, तो आप बताओ आंसर क्या आ जाएगा, डाइएटम, तो आप बताओ सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, आंसर बहुत सारे लोगों का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेटा, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग का मतलब क्या है बेटा, गलत, आपको गलत छांटना है, तो हर स्टेटमेंट में गलत वर्ड केवल पकड़ लो। The walls of diatoms are easily destructible. यही तो गलत है, क्योंकि इसकी वॉल्स में क्या पाई जाती है बेटा, सिलिका, और सिलिका पाई जाने की वजह से क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल, क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल,
तो यहाँ पर बोलेंगे इनडिस्ट्रक्टिबल। तो आप बताओ बिल्कुल ये गलत हो गया भैया, और गलत ही आपको सेलेक्ट करना था, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। डायटोमेसियस अर्थ फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे कि जो डायटोमेसियस अर्थ है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है या बिलियंस ऑफ ईयर्स में, जल्दी से बताओ भैया, मिलियंस ऑफ ईयर्स में या बिलियंस ऑफ ईयर्स में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। अगला, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, सही बात है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट, और फर्स्ट वन इज द रॉन्ग। सबका आंसर सही, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बिलियंस ऑफ ईयर, कल आपको धमाल मचाने वाले हैं भैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ये बताओ जो क्राइसोफाइट है, यूग्लिनॉइड है, डायनोफ्लैजेलेट है और स्लाइम मोल्ड्स है, आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। लो इससे आसान सवाल क्या होगा कि स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, क्राइसोफाइट, प्रोटोजोन्स, ये सब किंगडम किसमें रखे गए हैं भैया, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, सिंगल सेल यूकेरियोट वाले किंगडम नाम है प्रोटिस्टा, और आंसर है फोर्थ वन इज द राइट आंसर। सबका आंसर आ जाना चाहिए भैया फटाफट, जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया है। और सरल सवाल है, आप एक बार देखो कि नीट के अंदर आए हुए सवाल आप बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं, और क्लास की जो हम लोगों ने हैसियत रख रखी है उस लेवल पे आप 720 में 720 और 360 में 360 करके आओगे बेटा। तो इसलिए आप केवल और केवल देखो कि नीट के लेवल को हम लोग बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं, उसी लेवल का पेपर आपको मिल रहा है। तो इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैप, देखो कितनी बार डायटम्स, कितनी बार क्राइसोफाइट पे आया है यार। तो आप बताओ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक द सोप बॉक्स, आंसर क्या जाएगा बताओ भैया, क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में किसको लिया गया है, डायटम्स, एक तो डायटम्स है और दूसरा है डायटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, डायटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, डेस्मेट्स, डायटम्स यहाँ पर गोल्डन एल्गी या फिर क्या बोलेंगे, डेस्मेट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ भैया, थर्ड वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2015 में पूछा गया है, जल्दी से आप देखो और आंसर करो, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। डायनोफ्लैजेलेट का जो हैबिटेट है वो क्या है, मोस्टली मैराइन है, और फ्लैजेला कितने हैं, दो हैं, एक ट्रांसवर्स है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, फंजाई से रिलेटेड है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और जैसे ही करेक्ट वर्ड आया हमने तुरंत लिख लिया सही, और हम टिक करते चलेंगे कि कहां पर क्या बोल रहा है। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द सीथ सेल, क्या ये बात सही है क्या, नहीं, सीथ सेल ऐसी कोई चीज नहीं होती है, जबकि ये कह सकते हैं कि यहाँ पाई जाती है क्या, हेट्रोसिस्ट, क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस्ट, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर सीथ सेल जैसी कोई बात नहीं है, जबकि हमें सही पता करना है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, क्या दो सेल का फ्यूजन कैरियोगेमी है, नहीं, दो सेल का फ्यूजन हमेशा प्लाज्मोगेमी, दो सेल का फ्यूजन क्या है, प्लाज्मोगेमी, और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल आर नॉन मोटाइल गेमी इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ देखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल आर नॉन मोटाइल गेमिट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप बताओ ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, नहीं भैया, सैप्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो आप बताओ उसे आप क्या बोलोगे, पैरासाइट, यहाँ पर क्या बोलेंगे, पैरा साइट, जो लिविंग पर डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरा साइट। तो हमने कहा कि भैया यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर थर्ड वन इज द राइट आंसर है ना, कोई कठिन नहीं है बेटा, बिल्कुल भी कठिन नहीं। और एक लाइन सुनना, हमें तो इस बात से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, कितनी बढ़िया बात है कि नीट आपके लिए बिल्कुल भी बड़ा नहीं है भाई, है ना, कौन तुम्हें समझाएगा, कौन तुम्हें समझाएगा यदि इतना समझ नहीं आया। मेरी लाइनों को बहुत ध्यान से सुनना, और मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मैं आप तक पहुंचाता हूं, कौन तुम्हें समझाएगा यदि इतना समझ नहीं आया, कौन, किसने, ध्यान सुनना, कौन तुम्हें समझाएगा यदि इतना समझ नहीं आया,
किसने हार नहीं देखी और कौन विजेता ही आया। जीत हार की रंग भूमि में सूरज की भी बारी है, जीत हार की रंग भूमि में सूरज की भी बारी है। एक छोर चमकते देखा है, एक छोर पे उसका पता नहीं था, इतना कुछ भी बड़ा नहीं था। तो नींद तो बड़ी सामान्य सी बात है यार, और आपका जोश और आपका होश दोनों आपको जीत दिलाएगा। और देखिए जब जब मुश्किलें आएंगी आपको मजबूत करेंगी, और जब जब आप कंफर्ट, जब जब आपको आराम मिलेगा तब तब आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकल के रखना है। और जब जीना ही है तो रुक रुक के क्या जीना यार, जम के एकदम जबरदस्त एफर्ट लगाओ, एक साल बाद धांसू मेडिकल कॉलेज पाओ, हाँ, और पढ़ाई इतनी शानदार कर रहे हो, कल वाले टेस्ट में और शानदार परफॉर्म करो, मजा आ जाएगा। Which of the following statement is incorrect? Incorrect की बात क्या है बेटा? गलत। आ जाओ सवाल पे फटाफट। Very good, बहुत बढ़िया। Very good, बहुत बढ़िया। अरे वाह, थैंक यू, सबका सबका धन्यवाद भैया। आइए यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। ईस्ट जो है वो यहाँ पर, अब देखो यहाँ बच्चा गलत कर देगा तुरंत अगर वो ध्यान नहीं दिया। क्यों? ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होती है, और यूनिसेलुलर क्या है? यूकेरियोट। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल, और एक सेल कभी फिलामेंटस हो ही नहीं सकती, तो फिलामेंटस बॉडी नहीं रखती और हाइफी भी नहीं कहते, तो ये वाला तो गलत हो गया। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिसियस, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉरल्स और ट्रफल्स ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे बेटा? एस्कोमाइसिस, क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। हां, क्लेविसिया अगर पूछा जाए कि इनमें से, ये तो सही है, और एलएसडी और यहां पर एल्कलॉइड ये दोनों देता है, बिल्कुल सही बात, ड्रग देता है। अगला, गोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, बाहर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एस्कोस्पोर्स आर एंडोजेनसली, तो ये बिल्कुल यहाँ पर एस्कोस्पोर एंडोजेनस में बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ यहाँ फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, तो ये आ जाएगा मामला, तो 23 का फर्स्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बड़े, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन पे आइए भैया। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, नेक्स्ट है मैच द कॉलम, फटाफट जल्दी से देखो, नेक्स्ट है मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम सबसे सरल सवाल है। रीजन कि आप बड़ी ही आसानी से जो है चीजों को यहाँ पर ढूंढ सकते हो। सेप्रो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डेड। और सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? जो डीकंपोजिशन ऑफ डेड आर, डेड ऑर्गेनिक मैटर करे। तो आप बताओ यहाँ पर बड़ी आसानी से आप सेकंड वन। और पैरासाइट का मतलब होता है लिविंग ऑन, लिविंग आर एनिमल, बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा आ जाएगा। और यहाँ लाइकेंस का मतलब है एल्गी और फंजाई से, चौथा आ जाएगा। और यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, ये बाहर प्लांट से होता है, तो यहाँ पहला आएगा। दो तीन और चार एक, यहाँ पर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, तो यहाँ पर बड़ा आसान है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है बेटा, देखो फटाफट से। यहाँ पर एक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। ये कह रहे हैं कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, एक है सैक्रोमाइसिस, और सैक्रोमाइसिस का मतलब क्या होता है? ईस्ट। और ईस्ट की अगर बात करें तो एस्कोमाइसिडीज, हम फंजाई में पढ़ते हैं, और यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम। तो आप बताओ ये ईस्ट की अगर बात करें तो ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट, ये क्या आएगा? यूनिसेलुलर यूकेरियोट। तो ये कह रहे हैं कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, तो यही सैक्रोमाइसिस ही प्रोकैरियोट नहीं है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम बिल्कुल प्रोकैरियोट है, ये क्या है? प्रोकैरियोट। नॉस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और यहाँ पर ऑस्लेटोरिया भी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप बताओ ये तीनों क्या है बेटा? प्रोकैरियोट। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं भैया यहाँ पर ये प्रोकैरियोट। तो आंसर वन, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड, बहुत छोटा सवाल है अगला। आफ्टर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी फॉलोड बाई मियोसिस, ठीक बात, तीन स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होगा उसके अंदर, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी, फिर होगा कैरियोगेमी, और फिर होगी मियोसिस। अगर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो रही है तो ये फाइब्रोमाइसिट में, और अगर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं हो रही है, डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक फेज आपको मिल रहा है,
तो इसका मतलब कि स्कॉर्प एसिडियोमाइस स्टेज में होता है। ये कह रहे हैं कि जब मियोसिस होती है तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, तो एक्सोजेनसली की अगर बात करें तो ये हमेशा होगा किसमें, एक्सोजेनसली मतलब यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज, एक्सोजेनसली इन किसमें होगा बताओ भैया, यहां पर न्यूरोस्पोरा की अगर बात करें बेटा तो एस्कोमाइसिटीज, साइक्रोमाइसिस की बात करें एस्कोमाइसिटीज, और अल्टरनेटिया की बात की जाए तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, और यहां पर आंसर है एगेरिकस और जिसे बोलते हैं मशरूम, और मशरूम आता है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। तो आपको मालूम है फ्रूटिंग बॉडीज होती है बेसिडियोकार और उसके अंदर होता है बेसिडियम या बेसिडिया और उसके ऊपर डेवलप होते हैं क्या, बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर अंदर और बेसिडियो स्पोर हमेशा बेसिडियम के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ भैया, सेकंड वन इज द राइट आंसर, सेकंड वन इज द राइट आंसर। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताओ, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, बताओ अगला बताओ भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, कौन सा जो है फंजाई के लिए यहां पर गलत, ये कह रहे हैं दे आर यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, हाँ, और दे आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही, एक्सेप्शनल क्या है ईस्ट, रेयर क्या है ईस्ट, दे आर हेटरोट्रॉपिक, बिल्कुल 100% है बेटा, डीकंपोजर है, ऑल फंजाई पजेस प्योरली सेलुलोजिक वॉल, बस यहां पर गलत हो गया, और यहां पर जनरली होता है बेटा काइटिनस, और काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को यहां पर कर सकते हैं भैया, तो यहां पर काइटिन और पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाफट से आंसर करना, इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड पार्ट जो है ये कहता है सेलुलोजिक सेल वॉल, लेकिन सेलुलोजिक नहीं बल्कि काइटिन और पॉलीसेक्राइड, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और आया हुआ है नीट 2016, फटाफट बताओ ये कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, और बाकी स्टेटमेंट बताना, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं भैया यू का मतलब क्या है बेटा ट्रू, तो आप बताओ फॉल्स की जगह क्या आना चाहिए, ट्रू, तो इन्होंने पूछा है गलत और पहला ही गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, सब कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं अलगल फंजाई, 100% सही, साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी बिल्कुल सही, गोल्डन एल्गी जो है उसे डेस्मेट्स कहते हैं, ये भी 100% सही है। तो पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि यू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बल्कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो फटाफट जल्दी से आप एक बार देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सबका आंसर सही होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है, ये कह रहे हैं वन ऑफ द मेजर, मेजर हल्का सवाल, मतलब बढ़िया सवाल का मतलब बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, मतलब वो हिटिंग पोर्शन है, वो हॉट स्पॉट है जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप बताओ कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल, जस्ट पिछला सवाल पूछे थे वो भी आया हुआ था बेटा, तो हमने कहा कि काइटिन और काइटिन के साथ क्या आएगा पॉलीसेक्राइड, तो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड यहाँ पर क्या आएगा, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड यहाँ पर आएगा, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड यहाँ पर आएगा, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महेश, अनुज, अभिलाषा, मंदशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये बताओ भैया इम्परफेक्ट फंजाई, पढ़ते ही तुरंत बताओ, इम्परफेक्ट फंजाई डिकम्पोजर ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, बताओ भैया इम्परफेक्ट फंजाई, फाइकोमाइसिटीज का नाम क्या होता है बेटा एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज का नाम क्या होता है बेटा सैक फंजाई, यहाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम क्या होता है फंजाई इम्परफेक्टाई, और यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज का नाम क्या होता है बेटा ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स या फिर बोलेंगे मशरूम्स, तो आप बताओ आंसर वन इज द थर्ड, तो यहाँ पर तीसरा जो है सही आंसर है क्योंकि फंजाई इम्परफेक्टाई नाम किसका होगा भैया, फंजाई इम्परफेक्टाई किसे बोलेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। फटाफट जल्दी से अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिए, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, फटाफट से आंसर टाइप करो,
जल्दी से आंसर टाइप करके बताओ भैया। इन्होंने पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। पहली चीज कि ये डिलीशियस होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और एडिबल होते हैं, गलत है। पॉइजनस मशरूम होता है कौन? टोडस्टूल। टोडस्टूल। और यहां पर कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये गलत। तो पहला जो है वो क्या है, सही आंसर। ईस्ट यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होती है, सही। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर है और प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही। तो आप बताओ 31st का फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया। अब कह रहे हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो भैया बिना समय लिए। रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या कहा गया, सलवॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही बात। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटी, सही है। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोम्स, अब ये वाली बात गलत है बेटा, यहां पर क्या आएगा अमीबॉइड, यहां पर क्या आएगा अमीबॉइड, ये आएगा अमीबॉइड की। अगला, स्यूडोपोडिया ये अमीबॉइड में है, स्पोरोजोम्स में नहीं है, तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, हाँ मोनेरा के अंदर भैया प्रोकैरियोट को रखा गया और प्रोकैरियोट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और मशरूम्स बिलोंग टू, अब आप बताओ यहां पर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटिंग, ये बात सही है। और मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटी, ये भी सही है। तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट बता, स्यूडोपोडिया स्पोरोजोन्स में नहीं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बेटा। क्या यहां पर ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल सही, इन ऑल किंगडम, हाँ लेकिन एक्सेप्ट मोनेरा, तो प्रोकैरियोट में तो वैसे भी नहीं हो सकता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल में, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यहां पर थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक्स ए सेल वॉल, कंप्लीटली लैक्स ए सेल वॉल, बड़े आराम से बता सकते हो कि भैया एक तो दो है, एक तो सेल वॉल जो है, अगर प्रोकैरियोट की बात करें बेटा तो माइकोप्लाज्मा में नहीं, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में नहीं है, और दूसरा अगर यूकेरियोट की बात करें भैया तो यहां पर एनिमल सेल में नहीं है। तो आप बताओ एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा, इन दोनों में सेल वॉल नहीं है, तो आंसर आपके सामने है। साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लूग्रीन एल्गी पाया जाएगा, यहां पर सैक्रोमाइसिन बोले तो ईस्ट यहां पर भी पाया जाएगा, यहां पर ब्लूग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया सेम बात, लेकिन सीफेन गॉर्गोनिया, और इसकी अगर बात करें बेटा तो ये क्या है सिलिट्रेटा, और सिलिट्रेटा की अगर बात करें सिलिट्रेट है, और सिलिट्रेट क्या है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो आंसर क्या है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तगड़े एकदम, और कब आया हुआ 2014 में, जल्दी से देखो भैया फटाफट तेजी से देखो, जल्दी से एक बार जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के लिए कौन सी बात सही है, जल्दी से बता दो। अगर न्यूक्लियो प्रोटीन है तो वायरस है, अगर केवल प्रोटीन है तो प्रियॉन्स है, और अगर न्यूक्लिक एसिड में केवल आरएनए है तो वायरॉइड्स है। आप बताओ भैया दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, तो आप बताओ विद प्रोटीन कोट वाली बात बिल्कुल गलत है।
दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, 100% सही है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। और दे हैव डीएनए, नहीं, विद प्रोटीन कोड बिल्कुल नहीं। दे हैव फ्री डीएनए, नहीं, फ्री तो रखते हैं, आरएनए रखते हैं, विदाउट प्रोटीन कोड ये भी, ये तो सही है लेकिन डीएनए की वजह से गलत है। आप बताओ ये तीनों क्या हो जाएंगे गलत। सेकंड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी पार्ट, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अगले नंबर पे आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया। नेक्स्ट है मैड काउ डिजीज। आप बताओ, हर जगह सवाल आया हुआ है। आप देखो, मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मैड काउ डिजीज इन कैटल कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन रखता है भैया? वायरस। क्या ये वायरस के द्वारा होती है? क्या नहीं, ये होती है किससे? प्रियॉन से। और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब प्रोटीनेसियस एजेंट, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रियॉन्स। क्या बोलेंगे? प्रियॉन्स। सेकंड वन इज द राइट आंसर, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, तो इसे बोलेंगे क्या? वायरॉइड्स। क्या बोला जाएगा? वायरॉइड्स। और फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ऐसा कुछ भी होना नहीं। तो आप बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सेकंड वन इज द राइट आंसर। देखो वाहिद का भी सही, स्नेहा, ज्योति, अभिलाषा, अंजलि, दीपांशी, अहमद, सबका आंसर जो है बिल्कुल सही है। सरल सवाल है, कल आप धमाल मचा देंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये कह रहे हैं प्रियॉन्स जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या ये बात सही? हाँ बिल्कुल सही। मैड काउ डिजीज कॉज करता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनसेफेलोपैथी बीएससी कॉज करता है। और एक बात और, इसकी साइज सिमिलर टू वायरस होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, वायरस लैक ए प्रोटीन कोड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है भैया। और वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, 100% सही, क्योंकि लिविंग के बाहर भी क्या होते हैं बेटा? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। नहीं भैया, यहाँ पर अगर पूछा जाए प्रोटीन कोट नहीं बल्कि क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड, तो ये सही होगा। अब बताओ भैया यहाँ पर ये गलत हो गया, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, मतलब इसका इनकरेक्ट जो था वो फोर्थ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। अगले नंबर बताओ भैया, वायरॉइड 2017 में पूछा गया, वायरॉइड और वायरसेस। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर वायरसेस में क्या आएगा बताओ? डीएनए तो आएगा, डीएनए आए चाहे आरएनए आए, विद प्रोटीन कोड। इसमें क्या आएगा? प्रोटीन कोड आएगी, और जबकि इसमें प्रोटीन कोड नहीं आएगी। तो आप बताओ डीएनए का मॉलिक्यूल विदाउट द वायरॉइड से डिफर फ्रॉम वायरसेस, मतलब वायरॉइड का आपको करेक्टर बताना है। तो आप बताओ वायरॉइड डीएनए मॉलिक्यूल होता है क्या? नहीं। और आरएनए मॉलिक्यूल होता है क्या? लेकिन विद प्रोटीन कोड नहीं होता, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोड, यही क्या होता है? वायरॉइड। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी पार्ट इज द राइट आंसर, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से फटाफट जल्दी से बता दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग बोले तो गलत, रॉन्ग का मतलब क्या है भैया? गलत। और किसके बारे में? वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स के तीन चार ही तो बात है। वायरॉइड्स का मायने क्या है? कि वायरस से क्या होगा? छोटा होगा, वायरस से छोटा होगा, विदाउट प्रोटीन कोड होगा, फ्री आरएनए होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज कॉज करेगा। तो आप बताओ ये इन्फेक्शन दे कॉज इन्फेक्शन, सही बात। डियर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, बस यही वाली बात गलत है। हाई की जगह क्या होना चाहिए था बेटा? लो मॉलिक्यूलर वेट। दे लैक ए प्रोटीन कोड, हाँ ये बात सही है। They are smaller than viruses. They are smaller than viruses. तो यहाँ पर ये viruses से छोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ यहाँ पर क्या है? Second one is the right answer. चलिए फटाफट, very good, बहुत बढ़िया। Select the wrong statement. फटाफट अगला बताओ भैया। अगला देखिएगा, फटाफट से आंसर करो। और ये आया हुआ है 2015 में, गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं।
फटाफट जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करो भैया, बहुत तेजी से जल्दी से बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो बहुत रफ्तार से। चलिए यहां पर बोल रहे हैं द टर्म कंटेजियम वाइबम फ्लूडम, द टर्म कंटेजियम वाइबम फ्लूडम वाज कॉइंड बाय एम डब्ल्यू वीजर ने, क्या ये बात सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 1892 और डिमित्री वैनवस्की और दूसरा 1898 एम डब्ल्यू वीजर ने और 1935 डब्ल्यू एम स्टेनले, ये आपको मालूम है। मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, बिल्कुल सही बात। The viruses were discovered by D.J. Ivanovsky. D.J. Ivanovsky ने जो है Dmitry Ivanovsky ने discover किया। और यहाँ पर W.M. Stanley showed the viruses could be crystallized, ये भी सही है। अब ये पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग है बेटा, तो वहां इन्होंने दिया था क्या लुईस पाश्चर, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया वायरवाइट। अब समझो यहाँ पर लुईस पाश्चर का नाम वायरस पे था, लेकिन अब लुईस पाश्चर को हटा दिया है और अब डीजे इवानोव्स्की को, डिमित्री इवानोव्स्की को रखा है, लेकिन वायरस की बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, वायरॉइड की। और वायरॉइड को डिस्कवर किया था किसने बताओ भैया, टीओ डाइनर ने, यहाँ पर डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने, कब डिस्कवर किया था 1971 में। तो आप बताओ यहाँ पर डब्ल्यू एम स्टेनले, तो ये बात सही है ये बात गलत है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, थर्ड वन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना भैया। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड और कैप्सोमियर, सिंपल है। आप बताओ यहां पर अगर पूछा जाए कि आरएनए के साथ कैप्सोमियर, कैप्सोमियर का मतलब क्या होगा भैया, प्रोटीन कोड, कैप्सोमियर का मतलब क्या होगा, प्रोटीन का कोड, ठीक है, और यहाँ पर आरएनए होगा प्रोटीन कोड के साथ, तो आप बताओ क्या टोबैको मोज़ेक वायरस में होगा क्या, यहाँ पर क्या पाया जाएगा आरएनए, यहाँ पर आरएनए तो पाया जाएगा और साथ में क्या पाया जाएगा प्रोटीन कोड। और यहाँ पर अगर पूछा जाए मीजल्स वायरस और यहाँ पर पोलियो वायरस और रेट्रोवायरस, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड क्या दिया है बेटा क्वाइल्ड, और वाइल्ड वर्ड जो है वो किसके लिए पूछ रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये अंतिम सवाल, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, और कल के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हो, आपका पीवाईक्यू भी साथ के साथ कवर करा दिया जा रहा है, तो आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट सवाल देखिए और फटाफट से आंसर कीजिए, अंत भला तो सब भला है ना, फटाफट से आंसर करो। वायरसेस हैव, वायरसेस के बारे में पूछा, कितने सारे सवाल वायरस वायरॉइड प्रियॉन्स के बारे में पूछे हैं बेटा, तो आप बताओ डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोड, ये वायरस है या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस रखते हैं, नहीं यहां पर सिंगल क्रोमोसोम रखते हैं, गलत, बोथ डीएनए आरएनए, ये भी गलत, आंसर क्या होगा न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पाया जाएगा प्रोटीन कोड। तो आप बताओ वायरसेस के बारे में क्या आएगा, एक तो आएंगे न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, और न्यूक्लियो प्रोटीन में एक तो आएगा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आएगा प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड होता है कैप्सिड, और कैप्सिड जिस सब यूनिट से बना है दोस्तों वही है क्या कैप्सो मियर, तो आप बताओ बेटा यहाँ पर ये, और हाँ न्यूक्लिक एसिड होगा क्या क्या बताओ, दो होते हैं, एक होगा दो डीएनए और दूसरा होगा आरएनए, और डीएनए और आरएनए कभी भी एक साथ नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अंततः हम लोगों ने आज का सेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया है और शानदार तरीके से आपने जवाब भी दिया है, आज भी आपके कोई सवाल गलत नहीं है, कल भी आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, बस केवल इतना ध्यान रखना है पांव जख्मी पर चले तुम, ये बहुत है मेरी तरफ से आपके लिए, कि अंत तक आपको लड़ना नहीं छोड़ना है, हार हो जीत हो ये अंतिम समय में डिसाइड होगा, लेकिन आपको लड़ना नहीं छोड़ना है, अंतिम सांस तक लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है दोस्त। तो हमें आप में केवल एक ही तो बात है, एक ही तो सिद्धत है, केवल एक ही तो चीज हमको आपको दुनिया में अलग बनाएगी, वो है लड़ने की क्षमता, और उसमें आप कभी भी ओवरकम नहीं करेंगे, कभी भी किसी तरीके सरेंडर नहीं करेंगे,
नीट नहीं, आगे जिंदगी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। क्या सरेंडर करना एक ऑप्शन है क्या? नहीं। तो आपके लिए ये चार पंक्तियां हैं, पांव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, पांव जख्मी पर चले तुम ये बहुत है, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है, गिर गए थे पर उठे तुम ये बहुत है, टिक न पाए तूफान के आगे भले लेकिन, टिक न पाए तूफान के आगे भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम ये बहुत है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चों, जय हिंद। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू। अरे